हेलो फ्रेंड, आज हम लोग प्रसिद्ध पुस्तकें को देख रहे हैं और प्रसिद्ध पुस्तकें में हम लोग पहला पार्ट में 1 से लेकर 122 तक देखे थे। ये पहला पार्ट का था यहाँ तक। दूसरे पार्ट में हम लोग 123 से लेकर 186 तक देखे थे। आज हम लोग पार्ट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका 187 से देखेंगे। ये हमारा पार्ट थर्ड होगा और हम लोग पार्ट थर्ड को एक और से देख रहे हैं। आज कोशिश करेंगे इसको पूरा कवर करने की। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक V.S. नेपोल ने लिखी है? ठीक, तो V.S. नेपोल की जो पुस्तक लेखक है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह, V.S. नेपोल को 2011 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक किशोर देसाई ने लिखी है? तो किशोर देसाई द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो है आपका विटनेस द नाइट है। विटनेस द नाइट का प्रथम प्रकाशन 21 जनवरी 2010 ईस्वी को किया गया है। और ये विटनेस द नाइट की अगर हम बात करें तो ये कपो कल्पना रहस्य है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतीत साहसी ने लिखी है? अतीत साहसी द्वारा पुस्तक कौन सा है, लिखा हुआ पुस्तक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अर्थ एंड एसीज नंबर ए। अतीक रहमी ने लिखा है, अतीक रहमी आंसर नाम है और इन्होंने लिखा है अर्थ एंड एसीज। ठीक, नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कमला दास ने लिखी है? तो आंसर होगा टू नाइट दी सेवज राइट, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द जिग जैग वे किसने लिखी है? तो जिग जैग वे जो लिखी है अनीता देसाई ने लिखी है। अनीता देसाई अंग्रेजी की बहुत ही जानी पहचानी उपन्यासकार थी, अंग्रेजी भाषा में ये लिखती थी। विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 नंबर, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, एन इक्वल म्यूजिक। विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है? एन इक्वल म्यूजिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो तिलक की लिखित पुस्तक कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका गीता रहस्य, बी नंबर होगा आपका गीता रहस्य पुस्तक जो लिखी है वो लिखा है तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। द एम्परर ऑफ मालीडेज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा सिद्धार्थ मुखर्जी, डी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक है, तो ये हो जाएगा ताक्सी हिरोज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा लिखी गई थी? तो आर के नारायण द्वारा लिखा गया रचना है मालगुड़ी डेज, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सैटानिक वर्सेज किसने लिखी है? तो सैटानिक वर्सेज जो लिखा गया है ये पुस्तक किसने लिखा है? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था 196 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक सूचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे जो मालगुड़ी डेज बताया तो वो तो लिखी गई थी, गाइड भी आर के नारायण की पुस्तक है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स भी ये आर के नारायण है, लेकिन ये गार्डनर आर के नारायण ने नहीं लिखा है। तो किसने लिखा है? तो गार्डनर ने लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखित पुस्तक है। तो इसका तो बता ही दिए, पुस्तक सैटानिक वर्सेज को लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सलमान रुश्दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
निम्न में से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है? फिर से एक बार क्वेश्चन समझिएगा, चार्ल्स डिकेंस ने यहाँ पे बोला है नहीं लिखा है, तो आंसर आपका क्या होगा ये बताइए। तो आंसर होगा प्राइड एंड प्रेजुडिस, डी नंबर, प्राइड एंड प्रेजुडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सन्नी डेज। 200 क्वेश्चन है, हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी ने लिखी है, जो राग दरबारी क्वेश्चन पुस्तक है वो किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा आपका श्रीलाल शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201, पुस्तक द लास्ट मैन इन द टावर का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज तरंगनी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? आंसर होगा कल्हण। कल्हण ने जो राज तरंगनी लिखा है वो संस्कृत ग्रंथ है राज तरंगनी, ठीक है, जिसका मतलब अर्थ होता है राजाओं की नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी जो लिखा गया है वो आंसर हो जाएगा आपका पाणिनी। आंसर बोलना है इसका पाणिनी, ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का गलत मिलान किया गया है? तो यहाँ पे बताना है कि गलत कौन सा है। तो नंबर ए बोला है नॉन स्टॉप इंडिया, मार्क टूली सही है, नॉन ऑफ इंडिया मार्क टूली ने लिखा है। लखनऊ बॉयज जो लिखा है विनोद मेहता ने लिखा है, ये भी आपका सही है। बियॉन्ड द लाइन्स की अगर बात करें तो ये बुक खुशवंत सिंह ने नहीं लिखा है, ये कुलदीप नैयर की पुस्तक है और यह 2012 में लिखा गया था। और खुशवंत सिंह की अगर सबसे लोकप्रिय पुस्तक की बात किया जाए तो पुस्तक का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। और लास्ट है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, युवराज सिंह का ये पुस्तक है। एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह का। तो बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह नहीं है, तो कौन है? कुलदीप नैयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राई टू पिकॉक नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो क्राई टू पिकॉक नामक पुस्तक जो लिखा है आपका अनीता देसाई ने लिखा है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अनीता देसाई। नेक्स्ट है पुस्तक द एंचेट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा आपका सलमान रश्दी ने। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? जेन ऑस्टिन। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जेन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान करने का किसके अनुभवों पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा इसका स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर जो है लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर जो लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 210 नंबर। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ व्यय शीर्षक में लिखा है? तो अपनी जो आत्मकथा है लखनऊ बॉय शीर्षक में, तो ये विनोद मेहता ने लिखा है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। विक्रम सेठ ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखा है? तो विक्रम सेठ ने जो पुस्तक लिखा है वो कौन सा पुस्तक लिखा है? तो आंसर हो जाएगा आपका द गोल्डन गेट, 211 नंबर का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किताब निर्वासन का लेखक
किताब निर्वासन का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका तस्लीमा नसरीन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस एक उपन्यास है और उनके लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का एक प्रसिद्ध लेखक है? भारतीय मूल का यह मतलब हो गया कि हमारे देश की कोई है लेखक और वो जो है दूसरे देशों में कहीं पे रह रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका किरण देसाई, बी नंबर आंसर है किरण देसाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी है? तो कुरुक्षेत्र टू कारगिल जो लिखा हुआ है ये किसका लिखा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा किसका, कुलदीप सिंह, आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने क्या लिखा? तो अकबरनामा लिखा, ये तो आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान अबुल फजल अकबरनामा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? तो सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे, डी नंबर आंसर हो जाएगा आपका प्लेइंग इट माई वे। अबुल फजल अकबरनामा, नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल कुलदीप सिंह, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक भारतीय मूल का प्रसिद्ध लेखक है? किरण देसाई। तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आंसर होगा भीष्म साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, A.N.R. न्यायमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, सही बताना है? तो कापुरी मंजरी, कापुरी मंजरी को बोल रहा है हर्ष ने लिखा है, लेकिन कापुरी मंजरी शायद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, यहाँ हर्ष नहीं होगा। अगर हर्ष की बात करें तो यहाँ हर्षवर्धन हो समझ सकते हैं आप हर्ष का मतलब, और हर्षवर्धन के बहुत अच्छे अच्छे लेख बुक्स हैं जिसमें पुस्तक है जिसमें से आप समझ सकते हैं, रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखा है, नागनंद लिखा है, प्रिया दर्शिका लिखा है, इस तरह से बहुत सारे पुस्तक है। तो यहाँ पे आंसर कपूरी मंजरी का जो लेखक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा, और हर्षवर्धन के अगर पुस्तक की बात करें तो प्रिया दर्शिका, नागनंद, रत्नावली, ये सब है। अब यहाँ पे देखिए मालविका अग्नित्रम, ये तो कालिदास ने लिखा है, पिछले क्लास में देखे थे। सौंदरानंद, यहाँ पे अश्वघोष, ये सही है आपका। मुद्रा राक्षस विशाखधत्त, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट नहीं, इसके आगे और भी है, 220 देख लीजिए। भारत एक खोज तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू ने वो जो पुस्तक लिखा है कहाँ पे, तो अहमदनगर किला के जेल के कारावास के दौरान लिखा है। भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर इसका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका कौन होना चाहिए, करजन होना चाहिए शायद। 221 नंबर का आंसर कितना होना चाहिए आपका, करजन होना चाहिए, बी नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड देन वन डे ए आमियर, यह किसकी आत्मकथा है? तो आंसर क्या होगा इसका, किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होना चाहिए इसका लाल कृष्ण आडवाणी की, यानी कि वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 224, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि रफीक जकारिया, सी नंबर। नेक्स्ट, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, गुंटरग्रास। निम्नलिखित में से कौन
अंग्रेजी की प्रसिद्ध लेखक है, तो अंग्रेजी की जो प्रसिद्ध लेखक है वो आंसर हो जाएगा आपका मुल्क राज आनंद। ये सब महादेवी वर्मा तो हिंदी का है, आशा पूर्णा देवी भी हिंदी का है, अमृता प्रीतम भी उसी तरह है, तो यहाँ पे मुल्क राज आनंद आपका हो जाएगा अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है, तो ये तो विष्णु शर्मा का कुछ पुस्तक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है आपका जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा, तो आंसर हो जाएगा आपका माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की रचित पुस्तक है, महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को लिखा है, लेकिन हाँ ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट है एन ऑटोबायोग्राफी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए, तो आंसर होगा काबुली वाला। अब देखिए यहाँ पे नंबर ए में है अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट जो लिखा है ये लिखा है जॉन रिस्किन ने, और दिसंबर 1860 में लिखा है जॉन रिस्किन ने, और रिस्की इसका मतलब होता है, अनटू दिस लास्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है इस अंत वाले को भी, अनटू द लास्ट का मतलब क्या होता है इस अंत वाले को भी। बी नंबर ऑप्शन में जैसे कह रहा है अल बलाग, अल बलाग जो पुस्तक है ये एक उर्दू की पुस्तक है, इसका लेखक कौन है ये तो पता नहीं, शायद रेखता कुछ ऐसे नाम है इसका, पता नहीं है हमको, शायद आप लोग को पता हो तो बोलिएगा। और सी नंबर की अगर बात करें आकाश की, तो इसका नाम है राजेंद्र यादव, सारा यानी कि आकाश को बोला जाएगा यहाँ पे सारा आकाश, ठीक है, पूरा नाम इसका सारा आकाश इस फिल्म का होगा। और ये सारा आकाश की अगर बात करें तो इसका लेखक है राजेंद्र यादव, इस पर एक फिल्म भी बना है शायद 69 में बना है, और ये लिखे हैं सारा यानी कि सारा आकाश जो पुस्तक लिखा है वो किसने लिखा है, तो राजेंद्र यादव ने, ठीक। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए, तो काबुली वाला आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माय लाइफ पुस्तक लिखी है, टेस्ट ऑफ माय लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, युवराज सिंह, आंसर हो जाएगा आपका युवराज सिंह, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री मिस्टेक्स इन माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, थ्री मिस्टेक्स इन माय लाइफ, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका चेतन भगत, ठीक, द थ्री मिस्टेक्स इन लाइफ चेतन भगत। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बेनिजर भुट्टो ने ही लिखा है डॉटर ऑफ द ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। मैजिक सीट्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो वी एस नेपाल जी है, ठीक। नेक्स्ट है गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु, गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु जो पुस्तक लिखा है कौन किसने लिखा, तो मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी जिसको बोलेंगे शॉर्ट में, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर इवर पंक्ति किसकी है, तो आंसर हो जाएगा आपका जॉन किट्स की, जॉन किट्स की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237 नंबर, डोंट लाफ वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर विशन लाल बोहरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस फॉर लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर एमिले जोला, ठीक है। नेक्स्ट है
ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेटिवाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका मूलचंद वर्मा है। नेक्स्ट है, पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है, तो आंसर हो जाएगा आपका मोहिंद पुरी ने लिखी है। क्या लिखी है मोहिंद पुरी ने? पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड किसने लिखी है? तो मोहिंद्र पुरी ने, ए नंबर 240 का। चलिए 241 क्वेश्चन में, अरुंधति राय किस पुस्तक के लेखिका है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। पुस्तक कारगिल वाला तो याद होगा मोहन पुरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर रेणु द्वारा रचित है? ठीक, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपका मैला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशन मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? तो आंसर क्या होना चाहिए 243 का? बी नंबर हो जाएगा, विपिन चंद्र। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है? तो आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। ठीक दोस्तों, आपका यहीं तक क्वेश्चन था, यहाँ से द एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो मिलेंगे उसमें सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखेंगे। हम आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसा लग रहा है कुछ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।